हेलो फ्रेंड्स, आज का मेन टॉपिक है कंटूरिंग कैसे करें, कंटूरिंग से क्या होता है, कंटूरिंग से हमारे फेस पे क्या इफेक्ट आता है, मतलब कैसा लगता है। आज मेरा मेन वही टॉपिक है, पर मैं आपको पूरा वीडियो शेयर करूंगी। और ये देखिए कंटूरिंग का पहले तो मैं पूरा वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ, मतलब पूरा मेकअप करके वीडियो शेयर करूंगी, पर मेन जो मेरा टॉपिक है वो है कंटूरिंग। क्योंकि बहुत लोग का फेस मोटा रहता है या बहुत दुबला पतला रहता है, मोटा रहता है, तो उस हिसाब से हम कंटूरिंग करेंगे तो हमारा फेस जिसका बहुत ज़्यादा लंबा है वो थोड़ा गोलाकार लेगा। जैसे मेरा थोड़ा मोटा फेस है तो पतला हो जाएगा। तो मैं इसलिए आपको दिखाऊंगी कि मेकअप में कंटूरिंग का क्या रोल है। बहुत अच्छा, ये हमारे फेस पे एक ग्लो देता है कंटूरिंग। हम कंटूरिंग नहीं करते हैं ना तो हमारा फेस बहुत गंदा दिखता है। हम मेकअप डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं बिना कंटूरिंग करे, लेकिन कंटूरिंग ज़रूर करनी चाहिए। तो मैं पूरा फुल वीडियो शेयर करूँगी, तो देखिएगा, मेरे वीडियो को स्किप नहीं की। स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अपने फेस पे बेस देंगे। बेस इसलिए देंगे कि ताकि हमारे फेस पे कोई भी जैसे पिंपल्स ना निकले और हमारा जो फाउंडेशन है वो अच्छे से हमारे फेस पे अप्लाई हो जाए। तो ये है प्राइमर। अगर प्राइमर आपके पास नहीं है तो आपके पास एक ऑप्शन और है, मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र भी नहीं है तो आपके पास रहेगा सनस्क्रीन, वो यूज़ कीजिए, उसको लगाइए और उसके बाद उसके ऊपर फाउंडेशन लगाइए, उसके बाद आप अच्छे से मेकअप कीजिए। लेकिन आपका मेकअप बेस देना बहुत ज़रूरी है। ये प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है, मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। आप बिना प्राइमर मॉइस्चराइज़र के मेकअप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो हमारा फेस झेलता है ना मेकअप करने के बाद, जैसे पिंपल्स निकलना शुरू हो जाता है। मैंने ट्राई किया एक दो दिन, मैंने मुझे बाहर जाना था, मैंने मेकअप किया, सारा पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम बेस देते हैं। हम लगाएंगे प्राइमर, बहुत थोड़ी मात्रा में आपको लगाना है, क्योंकि मुझे बस फेस का मेकअप करना है और नेक पे नहीं जाना है। मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कंटूरिंग का, लेकिन पूरा मेकअप करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए ले लिया, अच्छे से प्राइमर को अप्लाई कर लिया। अब प्राइमर आपके पास किस भी कंपनी का हो चलेगा। तो मैंने अच्छे से प्राइमर अप्लाई कर लिया अपने फेस पे, और अप्लाई करने के बाद अब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। और तो मैंने अपने फेस पे अच्छे से प्राइमर को अप्लाई कर लिया है। अब मैं लूँगी फाउंडेशन। फाउंडेशन मेरा फिटमी का है, आपको जो सूट करता है आप वो लीजिएगा। तो मैंने फिटमी का लिया है, और जो मेरा प्राइमर था वो हुडा ब्यूटी का है, ये देखिए, और ये फिटमी का है फाउंडेशन। तो मैं जो ये ब्यूटी ब्लेंडर है ना, इसको गीला कर ली हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आपका ब्यूटी ब्लेंडर गीला होना चाहिए, सूखे में बिल्कुल भी आप फाउंडेशन नहीं अप्लाई कीजिएगा ब्यूटी ब्लेंडर से, नहीं तो आपका जो फेस है ना वो भूत जैसा दिखेगा और पैचेस आएंगे। जब आपका ब्यूटी ब्लेंडर गीला रहेगा तभी आपका फाउंडेशन अच्छे से फिक्स होगा। तो मैं इसी पे लगा लूँगी, ये देखिए, थोड़ा सा बस आप इस पे लगाएंगे ना आपके फेस पे बहुत अच्छा ये पूरा ग्लो देगा फाउंडेशन, क्योंकि जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर है वो गीला रहता है, तो उससे बहुत अच्छा ग्लो देगा। आपको सेलेब्रिटी की बिल्कुल भी ना अप्लाई करना है, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही करना है। डैप 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 करके करेंगे ना तो आपका फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। अगर आपका फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई हो गया ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, इससे बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा और प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। मैं मुझे सिर्फ 5 मिनट लगता है मेकअप करने में, कहीं भी बाहर जाना हो 5 मिनट बस मुझे मिल जाता है, 10 मिनट मैं उतने में मेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ एक साथ अप्लाई करती हूँ, फाउंडेशन और कंसीलर और आपका जो मैंने कहा कि बेस देने वाला है। तो मैंने वीडियो को यहाँ थोड़ा फास्ट कर दिया था आगे, तो मैंने फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई कर लिया। आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है ना वो अच्छे से गीला होना चाहिए, तभी आपका फाउंडेशन अच्छे से फिक्स हो जाएगा आपके फेस पे। तो मैं अब कंटूरिंग करूँगी और कंसीलर। तो मैंने लिया है एक कवर स्टूडियो का कंटूरिंग पैलेट, इसमें आपका कंसीलर का भी काम चल जाएगा। कंसीलर का काम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपके आँखों के नीचे जो काले रहते हैं उनको छुपाने के लिए, नाक और मुँह के बगल अगल काली जो होती है आपकी स्किन उसको छुपाने के लिए, और आपके मुहासे और डार्क सर्कल को ये छुपाने के लिए किया जाता है कंसीलर। इसका बहुत अच्छा रोल है हमारे फेस पे। तो मैं ये पैलेट लीजिए, आपका हर एक काम चल जाएगा। तो मैंने लिया है शेड जो है वो ऑरेंज शेड है, मैं इससे कंसीलर करूँगी अपने आँखों के नीचे और नाक के अगल बगल थोड़ा बहुत, और
करने के बाद उसके बाद मैं कंटूरिंग करना स्टार्ट करूँगी। तो आँखों के ऊपर भी आप अप्लाई करना नहीं भूलें, तो जो आपका जैसे मस्कारा है और हर चीज़ ना उभर के दिखने लगेगा। आप जब कुछ भी मेकअप करेंगे आँखों का ना, तो बहुत उभर के दिखने लगेगा। तो मैंने अच्छे से किया, अब मैं कंटूरिंग कर रही हूँ अपने माथे पे ऊपर में। तो 4-8 पे मैं कंटूरिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। 4-8 बहुत उभरा उभरा जिसका रहता है वो थोड़ा कम दिखने लगेगा। और आपके पास एक अच्छा ब्लेंडिंग ब्रश होना चाहिए। तो जानते हैं आपके 4-8 पे जो बाल ओल रहते हैं ना, उसको भी ये दिखने नहीं देता है, कम कर देता है। और अब मैं चीक पे कर रही हूँ, अपने जो चीक बोन है उसको थोड़ा सा पतला करने के लिए। और मैं चिन एरिया को भी थोड़ा पतला करूँगी, क्योंकि देखिए मैंने अप्लाई किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिन ना लोगों का निकला रहता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे भी इसको पतला करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से ही करिएगा। जो नए हैं जिनको मेकअप करने नहीं आता है, प्लीज़ वो थोड़ा ध्यान देंगे। तो मैं हल्का हल्का अपने आँखों के अगल बगल भी लगा लूँगी। अब मैं अपने नाक को थोड़ा कंटूरिंग करके पतला करूँगी। अगर आपका नाक कंटूरिंग कर लिया आपने ना, नाक को कंटूरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इतना सुंदर दिखता है, फिर सारा मेकअप एकदम सेट हो जाता है। आपका चीक एरिया भी अलग हो जाता है और आपका जो चिन है वो भी अलग हो जाता है, सारा चीज़। तो वो एक उभर के मेकअप दिखने लगता है। तो मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ही फिक्स कर लूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर आपका बोली जैसा कि मैं हल्का गीला होना चाहिए, तो मैं अच्छे से इसको फिक्स कर लूँगी। और फिक्स करने के बाद उसके बाद मैं जो भी आगे मेकअप है वो अप्लाई करूँगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फाउंडेशन और कंसीलर और आपका कंटूरिंग, तीनों चीज़ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए उसके बाद। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं आगे देखिए मेरा मेकअप ना बहुत ऐसा अजीब सा नहीं लगेगा आपको, जिससे लगेगा एक होता है ना मेकअप बहुत उभर के दिखने लगता है, एकदम वाइट वाइट गंदा दिखने लगता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं आपको दिखेगा। और ये मेकअप मैंने सिर्फ 5 से 10 मिनट में किया है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, तो प्लीज़ आप स्किप मत कीजिएगा। तो मैंने अच्छे से जो कंसीलर था और कंटूरिंग था वो कर लिया है। अब आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें करना क्या है। तो हमारे पास ना फिक्स करने के लिए एक आता है जो है, जैसे आपका ये नहीं होता है, पाउडर नहीं होता है, वैसे फिक्स पाउडर आता है हमारे फेस पे करने के लिए। तो मैं अब सारा चीज़ ना फिक्स करूँगी आगे। तो मेरे पास एक लक्मे का ही है फिक्स पाउडर, तो मैं वही यूज़ करूँगी। आप देखिएगा, जैसे कि कहते नहीं है कि आप फाउंडेशन और सारा मेकअप करने के बाद आप जो है कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हैं, वैसे हमारा एक फिक्स पाउडर होता है। तो उसको यूज़ करेंगे तो आपका जो मेकअप है ना वो भूत जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, एकदम सेट हो जाएगा और फाउंडेशन बहेगा नहीं, जो पसीना आता है उससे बह जाता है, वो सब नहीं होगा। तो मैंने यहाँ सोची कि आँखों का मेकअप कर लूँ, लेकिन उसको मैंने रोक दिया। अब मैं करूँगी फिक्स पाउडर से अपना मेकअप फिक्स करूँगी मैं। लूज़ पाउडर है ये, पाउडर भी बोल सकते हैं, लक्मे का है ये लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका मेकअप अच्छे से बैठ जाता है, पैचेस नहीं दिखते हैं, अजीब सा नहीं लगता है, ग्लो आने लगता है धीरे धीरे। तो आप ना फाउंडेशन कंसीलर और कंटूरिंग करने के बाद एक बार ज़रूर लूज़ पाउडर अप्लाई करें, तो पैचेस बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे और आपका धीरे धीरे ना ग्लो होने लगेगा, जो फाउंडेशन है धीरे धीरे ग्लो करने लगेगा। तो इसको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लूज़ पाउडर नहीं तो आप लूज़ पाउडर लें और उसको ज़रूर अपने मेकअप में शामिल करें और अपने फेस पे अप्लाई करें। तो मैं आई शेडो करूँगी अपने आँखों का जो है मेकअप, तो मैं ना फिंगर से ही मेकअप करूँगी। तो मैंने लिया है ऑरेंज सिमरी सेड लिया है, जो पैलेट है ये आई शेडो का, उसमें से ऑरेंज सिमरी सेड मैंने लिया है अपने आँखों का मेकअप करने के लिए। तो मैं इसमें थोड़ा सिमर यानी चमक जैसा रहे तो वो थोड़ा अच्छा दिखता है लगाने के बाद, तो मैंने इसको लिया है। फिंगर से मैं अप्लाई करती हूँ, आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा, फिंगर से बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं लगता है, जितना आप लेंगे उतना ही आपके आईज़ पे लगेगा। ब्रश से मुझे थोड़ा सा अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाता है तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं यहाँ आई शेडो अच्छे से अप्लाई करूँगी, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि लाइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी, फिर भी जो है आपको समझ में आएगा कि मैं क्या लगा रही हूँ क्या नहीं लगा रही हूँ। लाइट पीछे का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मुझे नीचे ही बैठ के सूट करना पड़ा, तो बैकग्राउंड भी थोड़ा अजीब सा हो रहा था। तो प्लीज़ आप बैकग्राउंड पर नहीं जाइएगा, मेकअप पे ही ध्यान दीजिएगा। तो मैंने अच्छे से अप्लाई किया अपने आँखों पे। अप्लाई करने के बाद उसको ना फिर मैं एक और येलो शेड लूँगी इसका, जो
एसेडो का पैलेट है, इसमें से मैं येलो सेड लूँगी, हल्का सा येलो सेड लगाऊंगी, वो सिमर सेड नहीं है, नॉर्मली है, तो मैं येलो सेड लगाऊंगी अपने आईज़ पे हल्का हल्का। और मेरा मेकअप हो गया है आईज़ का कंप्लीट। और ये जो है इसका नाम मैं दे दूँगी, इस पैलेट का भी मुझे याद नहीं है, तो बहुत अच्छा है ये। इसमें आपको पता है सब चीज़ मिल जाएगा, देखिए आपको जो ब्लशर भी इसी मिल जाएगा, हाइलाइटर भी मिल जाएगा, लिपस्टिक भी मिल जाएगा। तो ये मैं ब्लशर लगा रही हूँ, ये जो पिंक पिंक सा दिख रहा है आपको, ये ब्लशर है। ब्लशर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा फेस ना एक अलग से जो चिक है ना उभर के दिखने लगता है, तो ब्लशर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप ब्लशर ज़रूर यूज़ करें। अब मैं लगाऊँगी अपने हाइलाइटर, अपने जो फेस पर है ना मैं हाइलाइटर लगाऊँगी। हाइलाइटर दो तरीके का है, एक है सिमर, मतलब सिमर शेड पिंक, और एक है जो है वाइट, तो दो कलर का है, मैं दो कलर का लगाऊंगी। अब मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी, देखिए दो कलर का है, पिंक और जो है वाइट। तो मैं नाक पे जो है ना वाइट वाला लगाऊंगी, लेकिन चिक्स पे मैं पिंक वाला लगाऊंगी, क्योंकि पिंक वाला मैंने ब्लशर यूज़ किया है, तो उसके जगह पे मैं पिंक वाला ही ये शेड यूज़ करूँगी अपने हाइलाइटर का अपने चिक पे। काफ़ी अच्छा, पता है जब आप ना चीक पे हाईलाइट करते हो ना, तो वो एकदम अलग से दिखने लगता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। लेकिन पहले आपको कंटूरिंग कर लेना है, ताकि आपका चिक्स एक अलग से दिखे, बहुत खूबसूरत दिखे, इसलिए आपको अलग से कर लेना है आपका कंटूरिंग। तो फिर मैंने कर लिया है अपना, मतलब मेरा डन हो गया, हाईलाइट भी हो गया और ब्लशर भी लग गया, आई शैडो भी हो गया, सब कुछ हो गया। लिपस्टिक मैंने हल्का सा पहले से अप्लाई किया। अब मस्कारा यूज़ करूँगी अपने आँखों पे। मस्कारा लगाने से आपका आईब्रो ना थोड़ा लंबा दिखने लगता है, और जो कल्स आईब्रो है वो अधिकतर छोटा छोटा रहता है, तो लगाने पे थोड़ा लंबा दिखने लगता है, और आँखें बहुत खूबसूरत दिखती हैं, आँखें आपकी उभर की दिखने लगती हैं। जो आँखों का मेकअप है ना, वो सारा चीज़ ना आपके मस्कारा और आई लाइनर पर डिपेंड करता है, और आई शैडो पर, तीनों चीज़ पे आपकी आपकी पूरे फेस का जो मेकअप है। अगर आपने आंखों का मेकअप कर लिया, तो फेस का मेकअप बहुत अच्छा दिखेगा, और आंखों का अच्छे से मेकअप नहीं हुआ तो एकदम अजीब सा दिखने लगता है। आप कभी ट्राई कीजिएगा, देखिएगा खुद को। तो मैं यहाँ मस्कारा अच्छे से अप्लाई, और इसी से मैं अपना आईब्रो फिल कर लूँगी। आपको एक आइडिया दूँ, आपको ना बाहर से पेंसिल वेंसिल कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, आपको आपको मस्कारा ना किसी भी कपड़े से पोंछ लेना है, मतलब आईलेसेस पे यूज़ करने के बाद उसको अच्छे से किसी कपड़े से पोंछ लीजिए, उसमें बहुत थोड़ा सा रहे, क्या कहते हैं, मतलब यूज़ करने भर का रहे आपका जो आईब्रो है, फिल करने भर का रहे उसमें ब्लैक, तो फिर यूज़ कीजिए। मैं अब हल्का सा लिपस्टिक लगाऊंगी, और लिपस्टिक रेड कलर का है, और बहुत अच्छा लिपस्टिक है, मैं इसका भी लिंक दे दूंगी आपको, अभी मुझे फ़िलहाल याद नहीं है। और हाँ, लास्ट में मैं ना भूल गई थी, आईलाइनर मैं ज़रूर अप्लाई करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी कौन सा आईलाइनर है, तो फिर आप बने रहिएगा, प्लीज़ जाइएगा नहीं। और मैं अब बिंदी अप्लाई करूँगी, और 15 अगस्त का ये वीडियो था, सॉरी लेट हो गया थोड़ा सा, तो मैं बिंदी अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। बिना बिंदी के सब कुछ बेकार है, तो मैं एक लगाऊँगी, मतलब उस दिन 15 अगस्त था तो मैं वैसा ही मेकअप की थी, तो मैं वैसा ही बिंदी यूज़ करूँगी। ये जो मैंने वाइट वाला बिंदी बीच में रखा है ना, जल्दी मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको करना क्या है, आपको लेना है एक, आप वाइट वाला नेल पॉलिश लीजिए, उस पर बिंदी भी लगा लीजिए। तो लास्ट में मैंने आईलाइनर अप्लाई किया है, ग्रीन आईलाइनर है, कलर बार का आईलाइनर है, बहुत अच्छा आईलाइनर है ये, मतलब 700 रुपये का है, मगर ये 3 साल से चल रहा है, सूखा बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे का वैसे है, और लगाने पर एक बहुत अच्छा लुक देता है। तो मेरा यहाँ मेकअप हो गया डन, ये लास्ट था, मैंने लास्ट में आईलाइनर लगाया, तो आई होप आपको पसंद ज़रूर आया होगा, और आपको समझ ज़रूर आया होगा। मैंने सिर्फ नए लोगों के लिए वीडियो बनाया है, मेरा यहाँ सही से क्लियर ना कैमरा था, और ना ही मुझे, मतलब मिरर से मैं सही से मेकअप कर पा रही थी, मेरा आदत अभी नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग इस पर मत जाइएगा। मैं नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा वीडियो बनाऊँगी अच्छे से कैमरा और लाइट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, प्लीज़ अपना ध्यान रखें, बाय बाय।